हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज मैं इस वीडियो की शूटिंग के लिए, ये आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आ गया हूं मोक्षदायिनी पाप नाशिनी माँ गंगे के पास। जी हां, आज भी यदि ईश्वर की कोई ईश्वर के होने का कुछ प्रमाण है तो ऊपर सूर्य देव है और नीचे ये गंगा मैया है। सूर्य देव ही ऐसे हैं, साइंस में भी हमें पढ़ाया जाता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो सूर्य देव ही है। इसी प्रकार से नीचे ये माँ गंगा मोक्षदायिनी पापनाशी है, ये पवित्र है। जैसा कि आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी, पीले पीले मिट्टी है, यानी पानी है, यानी मिट्टी मिले हुए हैं। इसके बावजूद और न जाने कितने शहरों के गंदगियाँ नाले इस माँ गंगा में, इस पापनाशिनी गंगा में मिलते हैं। रोज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर डेड बॉडीज़ को फेंका जाता है, इसके बावजूद ये माँ बिल्कुल पवित्र है। आज भी आप इसमें एक बोतल में इस गंगा जल को रख देंगे और सुबह देखेंगे तो अभी जब भरेंगे तो ये पीला पीला सा होगा, लेकिन सुबह आप देखेंगे बिल्कुल ये निर्मल पानी होगा। किसी भी अच्छे से पानी को आप दो चार महीने रख दो वो सड़ जाएगा, लेकिन इस पानी को आप सालों साल रख लो ये नहीं सड़ेगा। तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को क्लास 11 के जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, कोर सिलेबस का, जिसका नाम स्नैपशॉट्स है, उसका फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत एक अच्छे जगह से, एक पवित्र जगह से। तो फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स और इसे लिखा है विलियम सरायोन। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, इससे पहले कि हम इसे पढ़ाना शुरू करें इस चैप्टर को, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर क्लास 9, 10 और 12 के भी, बिहार बोर्ड 11, 12 और CBSE क्लास 9, 10 और 12 के भी वीडियोस डाले जाते हैं, जिसमें सभी सेक्शंस के वीडियोस होते हैं, चाहे वो पोएट्री सेक्शन हो, प्रोज यानी फिक्शन स्टोरीज हो, चाहे वो नॉवेल्स और ड्रामाज हो, या इसके अलावा आपको रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और साथ में कभी कभी एक प्यारा सा एजुकेशनल मोरल स्टोरीज भी मैं डालता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, इसकी ये समरी है, ये हमारे द्वारा एडिट की गई है। तो दिस इज ए स्टोरी ऑफ टू ट्राइबल आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू द गर्गोलेनियन ट्राइब। ठीक है, ये कहानी है दो ट्राइबल, ट्राइबल मतलब जो कबीला वगैरह में रहने वाले कबीलाई लोगों का है, उसके दो उसमें रहने मतलब कबीलाई बच्चों का है, ये दो लड़कों की कहानी है ना। इनके कई नाम है, आप शॉर्ट में वही आर्मेनियन बॉयज कह सकते हैं, आप इसको गेरोगेलेनियन ट्राइब भी कह सकते हैं, या और ये सब कौन थे, तो अमेरिकन ट्राइब, एक्चुअली वास्तव में ये अमेरिकन ट्राइब थे, इनका ये अपना लोकल नेम हो गया है ना कि ये आर्मेनियन है या यूं कहिए गेरोगेलेनियन है। फॉर देयर फैमिली इवन एट टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी नथिंग कुड मैच द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। ये जिस फैमिली से, जिस ट्राइब से ये बिलोंग करते थे, इवन एट टाइम्स है ना, कभी भी मतलब किसी भी टाइम, एट टाइम्स समटाइम्स मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी हो, बहुत ज़्यादा गरीबी हो, फिर भी मतलब बहुत ज़रूरत में हो, फिर भी इनके लिए ऑनेस्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। दे नेवर डिड एनी थिंग रॉन्ग एंड नेवर लाइड और नेवर इवन स्टोल एनी थिंग। ना तो उन्होंने कभी कोई गड़बड़ की थी, ना उन्होंने कभी लाई यानी झूठ बोला था, और ना ही कभी कुछ चुराया था। मतलब ये ऐसे कबीलाई लोग थे, ऐसे जनरली ये माना जाता है कि वो कबीला वाले जो इस तरह वो घुमंतु टाइप के होते हैं, चाहे इस टाइप के, वो लोग अक्सर वो बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन ना इनकी तो समझ लीजिए एक तरह से जैसे लोग कस्में खाते थे। द स्टोरी टॉक्स अबाउट एन इंसिडेंट विच रिवॉल्व्स अराउंड टू कजिन्स। लेकिन ये कहानी जो है वो घूमता है एक इंसिडेंट, एक घटना क्रम के है ना, जिसमें दो कजिन्स है यानी दो भाई हैं, दो चेहरे भाई हैं। पहला आराम द नरेटर, आराम इसमें नरेटर है, हु इज़ 9 ईयर्स ओल्ड, जो कि 9 साल का है, एंड मुराद हु इज़ 13, जो कि 13 साल का है मुराद। द वर्ल्ड फॉर आराम एट दैट टाइम, उस समय में आराम के लिए ये दुनिया सिम्ड टू बी ए डिलाइटफुल एंड एक्सट्रीमली जॉयस येट मिस्टीरियस ड्रीम। दुनिया जो है वो आराम के लिए, नरेटर के लिए जो है वो हालांकि खुशीपूर्वक था,
और बहुत बहुत ही ज्वायस था, लेकिन मिस्टीरियस सपना हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं थी, आशाएं थी जो इन्हें पूरा करना था, तो इसलिए मिस्टीरियस है। मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी क्रेजी बाई एवरीबडी ही न्यू, और हाँ, इनको जो है वो थोड़ा सा वो क्रेजी भी माना जाता था। तो ये था इंट्रोडक्शन, अब यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा इसका है, वन डे मुराद द नरेटर्स कजिन वॉक हिम अप, एक दिन सुबह सुबह नरेटर का कजिन और चचेरा भाई मुराद उसे सुबह सुबह उठाता है, इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, सुबह 4 बजे। मुराद टैप्ड ऑन द विंडो टू आराम्स रूम, और उसने टैप, टैप मीन्स हल्की चोट करना, जैसे हम लोग मोबाइल में टैप करते हैं, हल्की सी चोट करते हैं, तो आराम के यानी नरेटर के विंडो पर, उसके रूम के विंडो पर, खिड़की पर थोड़ी सी थपकी लगाई, ठक ठक की। व्हेन आराम लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब आराम यानी कि नरेटर जब विंडो से बाहर देखा, आई वॉज सरप्राइज टू सी मुराद वॉज सिटिंग ऑन द ब्यूटिफुल हॉर्स, दिखा रही ये तो सुंदर से घोड़े पे बैठा है। द नरेटर कुड नॉट बिलीव हिज आई, लेकिन नरेटर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग गरीब थे भैया, घोड़ा कहाँ से ला सकते थे। ही वॉज सो डैज्ड यानी कि सरप्राइज दैट मुराद हैड टू से यस इट इज ए हॉर्स, है ना, ये नरेटर आराम इतना सरप्राइज था कि मुराद को कहना पड़े, हाँ भाई तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपने नहीं देख रहे हो। ही ऑलवेज लॉन्ग फॉर हॉर्स राइडिंग, एक्चुअली लॉन्ग, आपको बता दें लॉन्ग मीन्स यहाँ लंबा नहीं, लॉन्ग मीन्स हार्दिक इच्छा, दिली तमन्ना उसको कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा उसकी इच्छा थी हॉर्स राइड करने की, हॉर्स राइडिंग की। मुराद एंड द नरेटर बिलोंग टू ए फैमिली दैट वॉज वेरी फेमस फॉर इट इट्स ऑनेस्टी, है ना। मुराद और ऊपर भी इंट्रोडक्शन में इस बात की चर्चा थी कि इनकी इनका परिवार जो है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत ही फेमस था। दे हैड बीन फेमस फॉर द ऑनेस्टी फॉर अबाउट 11 centuries, और आज से नहीं, यानी इनके ट्राइब की कहानी 1100 साल, है ना, 11 centuries से जो है ना, लगभग 1100 सालों से इनका ट्राइब है, और उस समय से इनका ट्राइब हमेशा से ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली फेल्ट प्राउड टू बींग ए, है ना, गैरोगोलेनियन, है ना, वो पूरा जो है वो मतलब उनको गर्व भी होता था कि हम इस ट्राइब से, इस आर्मेनियन से कह लीजिए, आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उनके लिए शान की बात होती थी, क्योंकि लोग उन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे कि गरीब है फिर भी ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलते। दे बिलीव्ड इन द राइट एंड द रॉन्ग एंड नेवर टुक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, है ना, वो हमेशा राइट और रॉन्ग को जानते थे और कभी भी किसी का लाभ नहीं उठाया, एडवांटेज फायदा नहीं उठाया। सेकेंड है, द नरेटर कुड नॉट बिलीव दैट हिज कजिन कुड स्टील द हॉर्स, नरेटर आराम को ये यकीन नहीं हुआ कि उसका कजिन घोड़ा चुरा सकता है, बट द रियलिटी वॉज बिफोर हिज आई, लेकिन आंखों के सामने सच्चाई भी थी, सो ही हैड टू बिलीव इट, लेकिन बिलीव करना पड़ा। देन इट सीम्ड दैट द नरेटर दैट स्टीलिंग ए हॉर्स ओनली फॉर ए राइडिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम स्टीलिंग मनी और फॉर सेलिंग द हॉर्स फॉर मनी, फिर नरेटर ने अपने मनी मन में सोचा, आराम से सोचा, चलो यार ठीक है, स्टीलिंग तो बुरा है, लेकिन केवल राइडिंग के लिए हम चुरा रहे हैं, स्टीलिंग कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, तो ये बुरा नहीं है, और खास करके जो है सो इसको हम पैसा नहीं चुरा रहे, या इस घोड़े को बेच करके पैसा कमाने के लिए तो कर नहीं, इसलिए ये चोरी नहीं हुई, मतलब एक काइंड का कह सकते हैं। आफ्टर दैट द नरेटर जंप डाउन ऑन द यार्ड फ्रॉम विंडो ऑफ हिज रूम, है ना, वो यार्ड में आंगन में बारे में कूद गया उधर से, और ही सेट ऑन द हॉर्स बैक, वो घोड़े की पीठ पर बैठ गया बिहाइंड मुराद, मुराद के पीछे। वो वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, एक्चुअली मुराद को थोड़ा सा क्रेजी माना जाता था, क्रेजी थोड़ा सा कह सकते हैं हल्का सा दीवाना शनकी, है ना। ही वाज कंसिडर्ड द नेचुरल सक्सेसर ऑफ द क्रेजीनेस फाउंड इन हिज फैमिली, उसके परिवार में वो क्रेजीनेस हुआ माना भी जाता था कि ये लोग क्रेजी टाइप के थोड़े होते भी हैं। थर्ड, हिज अंकल खुसरोव, है ना, खुसरोव वॉज, ये नाम याद रखिएगा, इसमें कई बार आएगा, उसके अंकल खुसरोव वॉज ए ऑल्सो ए क्रेजी फेलो, वो भी थोड़े से क्रेजी थे। ही वॉज ए बिग मैन, बड़ा सा आदमी था, विद ए बिग हेड, बड़ा सा सिर भी था, एंड ब्लैक हेयर ऑन इट, और उस पर काले काले बाल थे। ही हैड वेरी लॉन्ग मस्टैच, ध्यान रखेंगे ये मस्टैच यानी मूछ की, अंग्रेजी मुस्टैक या मुस्टैच नहीं बल्कि मस्टैच होता है, मस्टैच, है ना, वैसे मस्टैच भी कहते हैं या मस्टैच ही होता है। तो एक लंबा सा लंबी सी मूछ भी थी चेहरे पे। ही वॉज ए मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, है ना, वो इरिटेबल टेम्पर का था, मतलब थोड़ा चिढ़ने वाला टाइप का। ही वॉज ऑल्सो वेरी इम्पेशेंट इन हिज बिहेवियर, वो अपने व्यवहार में इम्पेशेंट भी थोड़ा था, अधीर भी था, है ना। ही वुड स्टॉप एनीबडी बाय सेइंग, वो किसी को भी रोक देता ये कह के इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू, अरे इससे कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो, ये सेंटेंस वो बार बार कहता था, अभी आप आगे भी चैप्टर में देखेंगे। वंस खुसरोव खुसरोव्स ओन सन
एक बार खुसरो जो अंकल खुसरो थे उनका खुद का बेटा अरक, जिसका नाम अरक था, केम रनिंग एट द बार्बर शॉप, है ना, नाई की दुकान पर दौड़ता हुआ आया, यानी नाई की दुकान पर ये बाल बाल बनवा रहे होंगे या शेविंग करवा रहे होंगे। वेयर ही वॉज गेटिंग हिज मस्टैश ट्रिम्ड, हाँ, अपने मुँह से जो है ट्रिम करवा रहे थे। ट्रिम कराना मतलब उसको कुतरना छाटना, उसका मतलब ड्रेसिंग करना। अरक टोल्ड हिम दैट दियर हॉर्स वॉज ऑन हाउस वॉज ऑन फायर, तो बेटे ने कहा कि पिताजी पिताजी वो घर पे आग लग गई है। खुसरो स्टूड अप, वो खड़ा हो गया एट वंस तुरंत एंड रोड और जोर से चिल्लाया, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बताइए घर में आग लगी हो, ये कहता नहीं नहीं इसका कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। ये सेंटेंस वो सबको अक्सर कहते रहता और इसीलिए ऊपर लिखा गया कि वो सबको चुप भी करा दे, भाई ऐसी बात सुन के कोई क्या कहेगा। दस मुराद वॉज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ खुसरो, कह सकते हैं मुराद जो इनका कजिन जो जो आराम नरेटर है उसका जो कजिन है उसमें बहुत सारा गुण, क्रेजी तो सब लोग थे लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही था, और उसी का थोड़ा सा गुण नरेटर के कजिन मुराद में भी था। सो देन मुराद एंड हिज कजिन वर एंजॉयिंग राइडिंग, सो तब और तब अब जो है अब दोनों बच्चों की बैठ चुके थे, ये तो बीच में थोड़ी दूसरी बात बताई थी, अब वही कि वो घोड़े की पीठ पे बैठ गया था तो वो दोनों राइडिंग एंजॉय कर रहे थे। मुराद वाज ऑल्सो सिंगिंग वाइल राइडिंग, और मुराद जो है वो जब वो राइडिंग कर रहा था, हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो आपको साथ में गाना भी गा रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद मुराद टोल्ड द नरेटर टू गेट डाउन, है ना, ऑफ द हॉर्स, कि भाई घोड़े से अब तुम नीचे उतर जा, मुराद ने कहा नरेटर से, बिकॉज ही वांटेड टू हैव द राइड अलोन, क्योंकि अब उसे अकेले चलाने का, अकेले घोड़ा चलाने का, राइड करने का मन है। द नरेटर ओबेड, नरेटर ने उनकी बात मान ली एंड गॉट डाउन ऑफ द हॉर्स, और घोड़े से उतर गया। ही ऑल्सो टोल्ड मुराद दैट ही वुड ऑल्सो लाइक टू हैव अ राइड अलोन, लेकिन ये भी कहा नरेटर ने अपने कजिन से कि भाई ये बात तो ठीक है लेकिन जो है सो मैं भी अकेला चलाऊंगा, अभी तुम अकेले चला रहे हो ठीक है अच्छी बात है लेकिन मैं भी अकेला चलाऊंगा। फिर मुराद किक्ड द हॉर्स एंड इट सून स्टार्टेड गैलोपिंग, है ना, मुराद ने जो है उसको लात मारी यानी मैं घोड़े से को चलने के लिए कहा और ये सून गैलोपिंग एकदम उछलने लगा, मतलब अपने वो साउंड में चलने लगा घोड़ा। द हॉर्स क्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, एक सूखे घास के फील्ड से होकर गया, एंड देन इरीगेशन डिच, फिर वो जो पानी पटाने के लिए गड्ढा था उससे होकर के इरीगेशन में सिंचाई करना पानी पटाना वाला गड्ढा। ही रिटर्न्ड आफ्टर 5 मिनट्स, और इस प्रकार से राइडिंग करके घूम घाम के 5 मिनट बाद वो वापस आ गया। नाउ इट वॉज नरेटर्स टर्न टू एंजॉय द राइड अलोन, अब ये जो है ये नरेटर का की बारी थी उसको अकेले हॉर्स राइडिंग करने का। ही ऑल्सो लेफ्ट यानी कि जम्प्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, वो कूद गया अपना हॉर्स के मतलब पीठ पे यानी चढ़ गया, एंड किक डिट, और उसको बस लात मारी किक किया तो चल पड़ा। फिर घोड़ा दे द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, है ना, हिंड लेग्स मतलब पिछले पैर एकदम पूरा उठा लिया, स्नॉर्टेड यानी हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, और एकदम से स्पीड पकड़ लिया। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग, जो ऐसे कहा जाए तो ये जो है सो लवलीस्ट थिंग था, है ना, द नरेटर कोटेड, है ना, कहा कि बहुत अच्छा लगा, है ना। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, लेकिन इस बार है ना वो फील्ड से होकर के दौड़ने एंड देन गो टू द इरीगेशन डिच, जैसा कि मुराद गया था वैसा करने के जस्ट उलट क्या हुआ, इट रैन डाउन रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ, है ना, दिक्रान हलेबियन, है ना, वो एक दिक्लान दिक्रान हवेलियन थे उनके वाइनयार्ड, वाइनयार्ड मतलब वो जहाँ वाइन की खेती, वाइन लताएं जैसे ग्रेप वाइन हो गया, अंगूर की खेती होती है, तो उधर की तरफ रोड होते हुए और उसके 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 खेत में उसके बाग बगीचे में चला गया। द हॉर्स थ्रू द नरेटर ऑन द ग्राउंड, और यही नहीं वो घोड़े ने अपने पीठ से उसको गिरा दिया, नहीं इतनी स्पीड थी कि उसको गिरा दिया वाइल जंपिंग ऑन द वाइल, जब वो वाइन्स पे उछलने लगा था। द नरेटर एंड मुराद, अब क्या हुआ, और जब गिरा दिया तो नेचुरल वो कहीं भाग गया होगा, तो अगले पैरा में यही बात कह रहा कि द नरेटर एंड मुराद मेड ए सर्च फॉर इट, अब खोजने लगे इसको, एंड आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा तक ढूंढने के बाद, है ना, मुराद केम बैक विद द हॉर्स, मुराद ही खोज के फिर लाया। दे थॉट ऑफ हाइडिंग द हॉर्स एट ए सेक्रेट प्लेस, उन्होंने सोच रखा था कि इसको किसी सेक्रेट प्लेस पे किसी मतलब छुप ऐसी जगह पे रखे जो कोई जाने नहीं। द नरेटर ऑल्सो केम टू नो दैट मुराद हैड बीन enjoying rides for the last many days, और यही नहीं बाद में फिर नरेटर को पता चला गया, अरे नहीं आज मुझे दिखा रहा है लेकिन ये कई दिनों से चला रहा है, तभी तो इसने सीख भी रखी थी ना हॉर्स राइडिंग। दे वेंट होम एंड द नरेटर हैड हिज ब्रेकफास्ट, है ना, वे लोग घर गए और नरेटर ने हैड, हैड मीन्स खाया, ध्यान रखेंगे खाना पीना भी होता है हैव में, ये हैड है भी टू यहाँ पर हो जाएगा, है ना, उसने अपना ब्रेकफास्ट खाया, हैव माने पास होना ही केवल नहीं। अगला अर्थ में कि दैट आफ्टरनून द नरेटर अंकल, वही खुसरोब वो जो थे जो कहते थे कि भाई डोंट वरी, है ना, मतलब कोई बात नहीं कोई हार्म नहीं है, है ना, पे नो अटेंशन टू इट, वही वाले अंकल वो आए
टू हिज हाउस टू सिप कॉफी, यानी कॉफी पीने के लिए, एंड स्मोक अ सिगरेट, और सिगरेट पीने के लिए. अनदर विजिटर, एक दूसरे विजिटर भी लेकिन उसी दिन आए, जिनका नाम था जॉन बायरो, है ना. ऑल्सो केम देयर, वो भी वहाँ आए. ही कंप्लेंट दैट, उन्होंने शिकायत की दैट इज व्हाइट हॉर्स हैड बीन मिसिंग फॉर ए मंथ, कि उनका ना एक महीने से सफेद रंग का घोड़ा है वो गायब है. समझ गए होंगे आप स्टोरी, है ना. इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, है ना. और दूसरी बात है कि ये एक महीने से गायब है, यानी वो जो है मुराद एक महीने से ये चला रहा है, अब तो नरेटर भी उसको राइड कर रहे हैं, है ना. द नरेटर अंकल क्रॉस रोब एंड जॉन बायरो हैड एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉस ऑफ द, दोनों में ये बहस होने लगी, भाई ये जो है सो काय लॉस हो गया, है ना. ये वो क्रॉस रोब एडवाइज जॉन बायरो टू फॉरगेट अबाउट द हॉर्स एंड नॉट टू गिव एनी इंपॉर्टेंस टू मनी, कि भाई अरे जो गया सो गया, उसके बारे में वही वाला बात बोला होगा, गेट पे टेंशन टू इट, है ना. जॉन बायरो गॉट एंग्री, लेकिन इस बात से वो गुस्सा गया, भाई घोड़ा है हमारा प्यारा सा घोड़ा था, इतना अच्छा घोड़ा था, वो गायब हो गया, इसके बारे में हमें टेंशन ना पे करे, है ना. एलिमेंट ऑफ द ऑफ द हाउस, और गुस्सा के मारे घर से निकल गया. देन नरेटर वेंट टू मुराद्स हाउस, और अब नरेटर ने जब ये सुनी तो मुराद के घर पे गया, अपने कजिन के घर पे गया, एंड टोल्ड ऑल अबाउट जॉन बायरोज विजिट, है ना. वो जो जॉन बायरो उसके घर पे आया था, यानी जो घोड़े का मालिक था, टू हिज हाउस, जो उसके घर पे आया था. द नरेटर रिक्वेस्टेड मुराद नॉट टू रिटर्न द हाउस हॉर्स अंटिल ही लर्नड हाउ टू राइड, लेकिन नरेटर इस बार रिक्वेस्ट खुद से कर रहा है मुराद से कि ना भाई अभी नहीं लौटाना प्लीज, मैं जब तक सीख ना लूँ. मुराद अग्री नॉट टू रिटर्न इट फॉर 6 months, बोला ठीक है भाई 6 महीने तक नहीं लौटाते इसको, चलो कोई बात नहीं. वन मॉर्निंग ऑन द वे, लेकिन एक दिन सुबह सुबह रास्ते में दे केम अक्रॉस जॉन बायरो, कम अक्रॉस मतलब अचानक से किसी के सामने आ जाना, एनकाउंटर हो जाना, है ना. जॉन बायरो के नज़दीक आया द ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, जो कि उस मालिक था उस सफ़ेद घोड़े का. ही रिकॉग्नाइज द हॉर्स, उसने पहचान लिया घोड़े को. And he knew that it was his own horse. और वो जानता था कि ये उसी का घोड़ा. एक्चुअली क्या है कि आपको मान लो कोई भैंस है, सब काली काली नजर आएगी, लेकिन जिसका अपना भैंस होगा उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मेरा है. आप जब आपका नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन उसको पता होता है सब काली है, फिर भी उसको पता चल जाता है. वैसे ही घोड़े सब वाइट ही क्यों ना हो, आपको ये पता चल जाएगा जिसने उसको पाल रखा है कि हाँ भाई ये जो है सो मेरा घोड़ा है, है ना. तो वो पहचान गया कि ये है. बट स्टिल ही कुड नॉट मेक ए क्लेम ओवर इट, लेकिन फिर भी उसने उस पर कोई क्लेम नहीं किया. क्यों नहीं किया क्लेम, है ना, बिकॉज ही न्यू द रेपुटेशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली, लेकिन वो जानता था कि नरेटर की फैमिली ईमानदारी के लिए तो उसकी कसमें खाते हैं लोग, इसलिए ये चुरा ही नहीं सकते. ही जस्ट सेड आई वुड स्वेयर, मैं कसम खाता यदि इट इज माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है, इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को नहीं जानता. ही थॉट इट टू बी द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, फिर उसने अंत में ये मान लिया कि ये उसी का जुड़वा होगा, ये जो मेरा घोड़ा था उसी का जुड़वा, लेकिन है एकदम सेम टू सेम. दिस मूविंग एक्सपीरियंस लेट द बॉयज टुवर्ड जॉन्स वाइनयार्ड, है ना, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग. और ये सुन करके कि भाई हम पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं और हमने ये स्टीलिंग की, अगली ही सुबह उसके वाइन यार्ड पे जॉन बायरो के पहुंच गए. दे लेफ्ट द हॉर्स इन द बार्न, और खलियान में बार्न में वो घोड़े को छोड़ दिया आफ्टर पैटिंग इट अफेक्शनेटली, है ना. पैटिंग, पैट मीन्स पीठ थपथपाना, है ना, बड़े प्यार से किया भाई, है ना, जानवरों को हम पीठ थपथपाते हैं. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू द नरेटर्स हाउस, फिर से नरेटर के हाउस पे आया. ही शोड द हॉर्स, वही घोड़े से ही आया था, और दिखाया घोड़ा टू द नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ को. ही सेड दैट हिज हॉर्स हैड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर्ड देन बिफोर, कि अब जा रहे चलो जो ले गया लौटा दिया, और ऑनेस्ट था, एक बड़ी तब्दीली आई है, एक चेंज आया है कि मेरा घोड़ा ना पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया और बेटर टेम्पर्ड है, मतलब ज़्यादा अब वो जो है गुस्सा उस्सा नहीं करता, मतलब देन द मतलब अच्छे से राइडिंग करवाता है. देन द नरेटर्स अंकल बिकेम इरिटेटेड, वही खुड़सरोप, है ना, वो फिर इरिटेटेड हो गया. ही शाउटेड उछला योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, आपका घोड़ा रिटर्न हो गया, पे नो अटेंशन टू इट, है ना, इस पर ध्यान मत दो. दस द स्टोरी टीचेज अस द इम्पॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड पैशन, तो इस प्रकार से ये स्टोरी हमें ये बतलाता है कि हमें ऑनेस्टी जो है उसका इम्पोर्टेंस, उसकी आवश्यकता, है ना, चाहे भले ही आपके चेहरे पर ग्रीड हो, लोभ हो या पैसन हो. तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी. थोड़ी सी बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में आपको बारिश की आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ फिर इस पर ध्यान नहीं दें. और यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें. यदि कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. और हाँ, जल्दी ही इसके बाद मैं लगातार अगले चैप्टर्स को भी डालता रहूँगा और उसके लिंक्स मैं इसमें देता रहूँगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल लास्ट.